मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी के गिरफ्तारी का विरोध लगातार जारी है। बीते दिनों राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में जनसंगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद शनिवार को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी के गिरफ्तारी का विरोध करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही जांच एजेंसियों की जांच पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब भी भाजपा पर राजनीतिक खतरा बन रहता है तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा इनका सदैव कोपभाजन बनता रहा है। इस तरह के कार्यों में भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा छिपा रहता है। हो सकता है इन सब के पीछे भी इनका एजेंडा छिपा हुआ हो जो आने वाले वक्त में दिख जाएगा। बताते चलें कि झारखंड में जल, जंगल, जमीन और विस्थापन के विरोध में दशकों से 84 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की एनआईए के द्वारा 8 अक्टूबर की शाम को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिसका विरोध विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा किया जा रहा है। गिरफ्तारी को लेकर सामाजिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन कर जल्द रिहाई की मांग की गई है। आज देश की कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो किस रूप में काम कर रही है आप देश के सामने छुपा नहीं। जब जब इनको अपने ऊपर कोई राजनीतिक खतरा मंडराता हुआ दिखता है तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा इनका कोपभाजन सदैव बनता रहा। आज स्टेन स्वामी आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को और उनके लिए लगातार काम करते रहे हैं। आज मुझे लगता है कि 80 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है और इस तरीके से चीज़ों को सरकार के द्वारा संज्ञान लेना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है सभी चीज़ें में कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा जरूर रहता है, आने वाला समय में वो भी दिखेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।